आप लोगों को के स्टोन क्लास में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आज आपको प्रतिलेखन संख्या 89 और 90 लिखाएंगे। पहले 80 के स्पीड में, फिर 100 के स्पीड में, फिर 120 के स्पीड में। इसको एक दो बार लिखें, आपको स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है हमारे यहाँ, यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है। और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरिजन तो हैं ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज को करे। पराचीन, यह मैं आशा करता हूँ, और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना अछूतों द्वार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो अशांति फूटेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग
इधर से चले जाएंगे तो वह करेगी और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है। पैराचेन अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। पैराचेंज मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। यह अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले
यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। अब 100 के स्पीड में लिखाएंगे, पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहें। रेडी, लास्ट रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह असुत और सुत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म है नहीं है। हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है, भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरजन तो है ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज़ को करे, पहला चिन्ह, यह मैं आशा करता हूँ, और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना असुतो द्वार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो अशांति फूटेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो, इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है, पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की
और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। पहला चिन्ह, मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर प्रेम से नहीं उत्साह से नहीं बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है, बड़ी गलत बात है। यह अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी, उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। अब 120 के स्पीड में लिखाएं, पेंसिल कॉपी लेकर तैयार हैं, रेडी लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का अवसर आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है उन्हीं के द्वारा यह सूत और सूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है, हमारे यहाँ यह धनाश्रम धर्म है, संपत्ति पर आधारित है और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में जमीन कुछ हाथों में
केंद्रित है। जब तक जमीन के एकाधिकार को हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में सम्मिलित हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज इस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है। भूमि सुधार का प्रश्न जिसकी चर्चा उठी है और हम उठाएंगे कि जो जोतने वाला है, जो खेत पर मेहनत करता है, जिसमें 100% हरजन तो हैं ही, आदिवासी भी हैं, तो जो मेहनत करता है जमीन पर उसका अधिकार होगा। सदन को यह हिम्मत होगी कि वह इस चीज़ को करे, प्रचेंज, यह मैं आशा करता हूँ, और नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए एक ढकोसला होगा। यही आग्रह मैं सभी लोगों से करता हूँ कि भूमि के प्रश्न को सुधारे बिना असुतो द्वार नहीं होने वाला है और न राष्ट्रीय उत्थान होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि वह शांति से हो, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो अशांति फूटेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि शांति से हो। इसलिए मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि दल और पार्टी की दीवार तोड़कर हम इस प्रश्न को लें और केंद्रीय सरकार भी हिम्मत करे, प्रधानमंत्री प्रतीक्षा में न रहें कि कुछ और लोग इधर से चले जाएंगे तो वह करेंगी, और लोग जाएंगे तो वह कठिनाई में फंस जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह अवसर है। पैराचेन अध्यक्ष महोदय, वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले, और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर लिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की, और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी। अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है, और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया, रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया। पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंतोगतवा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है, और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। प्राचीन मैत्रीसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है, जिसका इस समय मैं अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता, एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर, प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे
और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है। यह अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं।